इंडिया के खिलाड़ी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोचिंग स्टाफ टेस्ट टीम के साथ है, मैन बॉलर बेटर कप्तान वहां है, बट इंडिया के यंगस्टर है घर हो बाहर हो छोटी टीम हो बड़ी टीम हो ये हराते नहीं है, तबाह करके रख रहे हैं अगली टीम को। ऑस्ट्रेलिया के आगे ले लो ये 450 मार देंगे, इंग्लैंड को ले लो ये 400 मार देंगे, लेकिन एक टीम के आगे आगे इनकी फट जाती है, एक टीम के आगे आगे इनका घंटा बच जाता है, वो टीम है इंडिया। हर्षदीप ने जो मेरे नजदीक सबसे बेस्ट विकेट था वो हेनरिक क्लासन का था, माई गॉड व्हाट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी, हेनरिक क्लासन वाज बीटन ऑल हैंड्स अप एंड ही वाज स्टंड कि ये मेरे साथ हुआ क्या, और क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, ड्यूसन क्लासन इतनी स्ट्रॉन्ग फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका की बैंड बजा के रख दी। इसको कहते हैं बॉलिंग, बाहर के मुल्क जाके इसको कहते हैं बॉलिंग, इसको कहते हैं होमवर्क हार्डवर्क प्रैक्टिस, जो मैं सुबह से आज सुबह से मैं अपना गला फाड़ के बोल रहा हूँ पाकिस्तान ने होमवर्क नहीं किया हुआ। क्या जी इंडिया अपनी मर्जी की पिचेस बनाता है, अपनी मर्जी की बाल देते हैं, बाल में चिप लगी हुई है, ये लगी हुई है, वो लगी हुई है, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका में मैच हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मैच हो रहे हैं तो मतलब साउथ अफ्रीका की मर्जी की पिच बनती है, उनकी मर्जी का ग्राउंड बनते हैं, सब कुछ उनकी मर्जी का होता है ना, बाल भी उनकी मर्जी की है। अब बताओ आप कौन सी चिप लगी हुई, ये होती है क्रिकेट। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिया, अवेश खान ने 4 लिए, कुलदीप ने आखिरी विकेट लिया, इंडिया ने 116 पे साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करके रख दिया और हम एक दिन पहले टेस्ट मैच हार गए हैं। टीम इंडिया की अचीवमेंट को आप ठुकरा नहीं सकते, वो टीम इंडिया वही टीम है बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया पे ठोक दिया, ये बात मानोगे ना। देखो हम एज अ पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाएगी और जाके हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे और ये हो जाएगा, ये हम जस्ट ख्वाब देखते हैं, होता ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका क्या कमाल का रिस्पांस दिया इन यंगस्टर्स ने, शॉकिंग, रियली शॉकिंग फॉर एवरी क्रिकेट फैन के जो इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की ये जो यंग टीम है अगर फाइट ही कर जाए इतने बड़े बड़े नामों के सामने जिसमें मिलर है डूसन है। टीम इंडिया बेटा इनको हराना ना अजाब बन चुका हुआ, अब पाकिस्तान ने होमवर्क नहीं किया हुआ था, पाकिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, ये होती है प्रैक्टिस, बॉलर्स को पता था कहां पे बॉलिंग करनी है, आज पिच के ऊपर बाउंस था, लेकिन भाई ये तो अफ्रीका की अपनी टीम थी, अफ्रीका की अपनी ग्राउंड थी, उनकी कंडीशन के लिहाज से उनको आदत होनी चाहिए बाउंस खेलने की, उसके बावजूद उनसे नहीं खेला गया, ये होती है क्रिकेट। अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लिया, अवेश खान ने 4 लिए, कुलदीप ने आखिरी विकेट लिया, इंडिया ने 116 पे साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करके रख दिया और हम एक दिन पहले टेस्ट मैच हार गए हैं, हमसे 2 सेशन बल्लेबाजी नहीं हो रही। साउथ अफ्रीका बहुत खतरनाक टीम थी, आज जब ये मैच शुरू हुआ था तब हम जब प्लेइंग 11 देख रहे थे, साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है वो इंडिया से मैं समझता हूँ 10 टाइम ज्यादा डेंजरस नजर आ रही थी, लेकिन क्या हाल हुआ उनका। ऑस्ट्रेलिया के आगे ले लो ये 450 मार देंगे, इंग्लैंड को ले लो ये 400 मार देंगे, लेकिन एक टीम के आगे आगे इनकी फट जाती है, एक टीम के आगे आगे इनका घंटा बच जाता है, वो टीम है इंडिया। इस टीम को आप वर्ल्ड कप में ले लो, ये टीम साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा जानी मानी वाली बैटिंग लाइनअप थी, ये 450 मार रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इंडिया के आगे ही आए हैं ये 83 पे पैक हो गए हैं, 83 पे इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने, ये वही साउथ अफ्रीका जिसने बाबर आजम का भी घंटा बजाया था जो है वो मैच में वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया के आगे आगे ये साउथ अफ्रीका 83 पे ऑल आउट हो गया। फिर आ जाते हैं आखिरी T20 मैच, आखिरी T20 मैच में इसी साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को इंडिया ने 96 पे ऑल आउट कर दिया। आज फिर आज वनडे में इवन की आज इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में वो एक्सपीरियंस नहीं था लाइक वनडे वाला के जसप्रीत बुमराह या सिराज या शमी, उनके तीनों प्राइम बॉलर नहीं थे। भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज जारी है, जिस तरह भारत ने साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में खड़े होकर साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम से T20 सीरीज जीती थी, उसके बाद आज पहला ODI मैच खेला है सीरीज का और इतनी कमाल परफॉर्मेंस दी है इंडियन टीम ने। इंडियन टीम ने पहले बॉलिंग की और बॉलिंग के बाद बॉलिंग के अंदर ऐसे जलवे दिखाए कि दुनिया हैरान है कि कोई इतने बड़ी बॉलर इतने बड़ी टीम के खिलाफ उसे कि होम ग्राउंड में ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि किस तरह अवेश खान के 4 शिकार और अर्शदीप सिंह के 5 शिकार। अर्शदीप सिंह को आप जानते ही हैं कि अर्शदीप सिंह को T20 का बेहतरीन बॉलर माना जाता है, उसी के साथ साथ अभी अपने ODI कैरियर में भी तबाही बॉलिंग कर रहे हैं। उनका साथ दिया अवेश खान ने, 5 विकेट ले लिया शरीफ सिंह ने और 4 विकेट ले लिया अवेश खान ने, इसी तरह 2 बॉलर्स ने मिलकर पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को आउट कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि किस तरह इंडियन बॉलर साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड में जाकर साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 50 ओवर के मैच में 27 ओवर एक बॉल पर 116 रन पर पूरी टीम को आउट कर देते हैं। पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि किस तरह इंडिया टीम इतने बड़े बड़े बॉलर निकाल रही है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जिस तरह इंडियन टीम बड़े बड़े बॉलर निकाल रही है, इसी तरह इंडियन टीम बढ़ रही है रफ्तार रफ्तार अपने T20 वर्ल्ड कप की तरफ। जिस तरह इंडियन टीम के हर मैच में नए बॉलर या नए बैट्समैन यूज कर रहे हैं और वो
और पूरी दुनिया को शो कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस तरह रमीज राजा कहना है कि जिस तरह इंडिया के बॉलर अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अर्शदीप सिंह तो वैसे T20 के सुल्तान है, जिस तरह अर्शदीप सिंह की फॉर्म चली हुई है, इसी तरह अगर अर्शदीप सिंह और अवेश खान की जोड़ी चल गई T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो इनके सामने बड़े बड़े विकेट से नहीं रुक पाएंगी। इनके सामने चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड, चाहे न्यूजीलैंड, कोई भी टीम इतने बड़े बॉलर के सामने नहीं टिक सकती। 2018 में गए ऑस्ट्रेलिया को ठोका, 2020 में गए ठोका ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके, जो इंग्लैंड भी नहीं करता, जो न्यूजीलैंड नहीं कर पाता, जो साउथ अफ्रीका नहीं कर पाता। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह टीम इंडिया बेटा इनको हराना ना अजाब बन चुका हुआ है। साउथ अफ्रीका की टीम कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इंडिया ने सोचा हुआ था कि हम अपने मिक्सचर को जो है ना, ज्यादातर यंग खिलाड़ियां बाहर, साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस ज्यादा लोगों के पास नहीं है इस स्क्वाड के अंदर, तो वो उनका तजर्बा जो है वो कामयाब रहा। देखिए ये एक्सपेरिमेंट होता है, या तख्त या तख्ता, और शानदार बॉलिंग की अर्शदीप सिंह ने, अवेश ने, और साथ में उसके साथ दिया पूरा का पूरा जादूगर स्पिनर जो है ना, कुलदीप यादव विकेट लिए और बाद में आए 18-19 ओवर के, बड़ा परफॉर्म करने वाला है, बस सिर्फ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आज इन दोनों यंगस्टर्स ने तबाह करके रख दिया जो साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में इस तरह पिंक डे टेस्ट के ऊपर, जो जिसको आप कहते हैं कि इतनी बदतरीन तरीके से उनकी बैटिंग को एक्सपोज करके रख दिया है। मैं कहता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है, अर्शदीप की, अवेश खान की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। क्रिकेट फैन के जो इस वक्त ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की ये जो यंग टीम है अगर फाइट ही कर जाए इतने बड़े बड़े नामों के सामने, जिसमें मिलर है, डूसन है, इतने बड़े बड़े नाम है जिसमें क्लासन है, अब इन नामों के सामने अगर ये इंडिया के यंगस्टर्स थोड़ा कर्टेन करने का नहीं कामयाब हो जाए, थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाने में कामयाब हो जाए तो बहुत होगा। लेकिन आज तो उन्होंने भाई उनकी पूरी की पूरी बल्लेबाजी को, बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया है। और मैं कहता हूं दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ मैरिट, दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ सिलेक्शन।